मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा में बदलाव। 13 फरवरी की जगह अब 11 फरवरी को भागलपुर आएंगे सीएम नीतीश। कलेक्ट्रेट स्थित समीक्षा भवन में करेंगे बैठक और जिले में चल रहे विभिन्न योजनाओं का लेंगे जायजा। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियों में जुटे जिले के तमाम पदाधिकारी, भागलपुर सज धज कर तैयार। पाटलिपुत्रा खेल परिसर में 4 दिवसीय नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक्स मीट का आगाज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने किया उद्घाटन। बिहार के साथ देश के कई अन्य राज्यों के खिलाड़ी होंगे शामिल। राजधानी पटना में बेखौफ अपराधियों का तांडव। लूटपाट के दौरान 4 लोगों को मारी गोली। निजी चैनल के एक पत्रकार समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल। पटना के निजी अस्पताल में चल रहा सभी का इलाज। सूचना पाकर दल बल के साथ पहुंची पुलिस। शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के ऊर्जा स्टेडियम में हुआ हादसा। छपरा मुबारकपुर कांड में घायल दूसरे युवक राहुल कुमार की इलाज के दौरान हुई मौत। पटना के निजी अस्पताल में चल रहा था राहुल का इलाज। मुख्यापति विजय यादव ने बंधक बनाकर की थी पिटाई। 10 फरवरी तक छपरा में इंटरनेट सेवा बंद। चिराग पासवान का बड़ा बयान, बोले बिहार में होम्योपैथिक डॉक्टरों को बदनाम किया जा रहा है। होम्योपैथिक डॉक्टरों को किया जा रहा है टारगेट। बिहार सरकार पर होम्योपैथी को खत्म करने का लगाया आरोप। जहरीली शराब से लोगों की हत्याएं हुई है बिहार में, उसमें भी भैया होम्योपैथ डॉक्टर्स का नाम इसमें उछाला जा रहा है और गलत तरीके से उनके नाम को उछाला जा रहा है। उनका नाम उछाल कर कहीं ना कहीं होम्योपैथिक की छवि को ये लोग खराब करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। पटना के गांधी मैदान में 4 दिवसीय राज्य कृषि यांत्रिकरण मेला 2023 की शुरुआत। कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने किया मेले का उद्घाटन। इस अवसर पर विभाग के सचिव एन श्रवण कुमार समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। मेले में बिहार के अलावा भारत के कई राज्यों के 100 से अधिक कृषि यंत्र निर्माता ले रहे हैं भाग। रांची में होने वाली G20 बैठक की सुरक्षा को लेकर बैठक। आयोजन को लेकर पुलिस महकमा पूरी तरह से अपनी तैयारियों में जुटा। हर छोटी से बड़ी बात का रखा जा रहा है ख्याल। 1 मार्च को 20 देशों के प्रतिनिधि पहुंचेंगे रांची। NSG और CISF के जवान रहेंगे तैनात। झारखंड के हजारीबाग के शहरी क्षेत्र में जंगली हाथी ने मचाया उत्पात। 2 लोगों की हुई दर्दनाक मौत, 1 महिला गंभीर रूप से जख्मी। ड्रोन के माध्यम से वन विभाग और पुलिस प्रशासन के द्वारा हाथी पर रखी जा रही नजर। इसके साथ ही हाथियों को भगाने के दस्ते को भी हजारीबाग बुलाया जा रहा है और लोगों को माइक के माध्यम से सतर्क रहने की सूचना दी जा रही है। राम मंदिर की तर्ज पर मरंग बोरू को लेकर होगा आंदोलन। 11 फरवरी को 5 राज्यों में आदिवासी सेंगल का चक्का जाम। केंद्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने दिया विवादित बयान। कहा पारसनाथ पहाड़ सरकार आदिवासियों को सौंपे, नहीं तो जैन मंदिरों को बाबरी मस्जिद की तरह किया जाएगा ध्वस्त। तो जिस प्रकार बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया, आम आदिवासी भी लाखों सेंगल सेना लेकर पारसनाथ पहाड़ जाएंगे और जैन के मंदिरों को भी ध्वस्त करेंगे। दुमका में चोरों का आतंक जारी। आए दिन हो रही घटनाओं से दहशत में जीने को मजबूर हुए लोग, पुलिस बनी मूक दर्शक। 26 जनवरी को झंडोत्तोलन के दौरान दुमका आए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यक्रम में इन चारों ने VIP पार्किंग से एक मोटरसाइकिल को किया था गायब।